कानपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत। फतेहपुर मंदिर से लौट रहे थे श्रद्धालु, छोटी ट्रॉली में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। हाईवे के किनारे गड्ढे की वजह से हादसा, तालाब में जा गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल, कई शव निकाले गए बाहर। देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, इलाके में मातम पसरा। कानपुर हादसे में मरने वालों में 12 महिलाएं, 9 बच्चे और 5 युवक शामिल। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में कुर्था गांव के एक ही परिवार के 7 लोगों ने तोड़ा दम, परिवार में आर्थियों को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं बचा। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक नशे में था, उन पर आरोप। लोगों के मुताबिक मंदिर में मुंडन कार्यक्रम के बाद वापसी में ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर उसने ठेके पर पथी शराब। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कानपुर हादसे पर जताया दुख, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। कानपुर में एक ही रात में दूसरा बड़ा हादसा भी हुआ, अहिरुमा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत। अहिरुमा हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, मुंडन के लिए परिवार समेत सभी लोग जा रहे थे विंध्याचल। यूपी के सीतापुर में भी दर्दनाक हादसा, 4 लोग जिंदा चले। सीतापुर के बिस्मा इलाके में डीजल टैंकर पलटने के बाद से लगी आग, टैंकर पर सवार 4 लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। यूपी के चंदौली में बुनियाद खोदते वक्त दीवार ढही, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी में हादसा, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पलट गए, 3 लोग घायल। दिलीप कपूर परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प हुई, गौहत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर में पकड़ने पहुंची थी पुलिस। पुणे का पुराना और जर्जर चांदनी चौक ब्रिज उड़ा गया, आधी रात के बाद इसे ढाया गया। पुलों के खंभों में लगाए गए थे विस्फोटक, किसी नुकसान की खबर नहीं। पुल की दीवारों में भी विस्फोटक लगाए गए थे, नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के तर्ज पर ही डेमोलिशन हुआ। चंद सेकेंड्स में मलबे के ढेर में बदल गया विशाल पुल, इसकी जगह पर बनेगा नया पुल। आधी रात को हुआ सबसे बड़ा डिमोलिशन, दूर तक उठा धूल का गुबार। आज महात्मा गांधी की 153वीं जयंती, राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बापू के समाधि स्थल पर परिक्रमा के नमन कर प्रकट की अपनी भावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पुष्पार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, कार्यक्रम में रामधुन गाए गए। दिल्ली के कृष्णानगर में इमारत में भीषण आग लगी, दम घुटने की वजह से बुजुर्ग पति और एक महिला की मौत। एसी से आग लगने का शक, 2 कमरों में रखा गया था सारा सामान जलकर खाक। यूपी के सीतापुर में एथनॉल के टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में टक्कर, टैंकर में लगी आग। मथुरा में कमरे में लगी अचानक आग, अलाघर मंदिर का सामान जलकर खाक। श्रावस्ती में गांव में बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन 2011 के बाद से अब तक बिजली नहीं आई। जयपुर में 2 लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है, सिर्फ एक युवक ने एसिड फेंका। पहले एक लड़की को निशाना बनाकर फेंका गया तेजाब, 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरी जगह पर दूसरी लड़की पर डाला गया तेजाब। बाइक से आए थे बदमाश, दोनों घायल युवतियां अस्पताल में भर्ती, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। राजस्थान के अलवर में 8वीं कक्षा की छात्रा के से गैंग रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। छात्रा से हैवानों ने 50,000 रुपए भी ठगे, कई बार शिकार बनाया। 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। मधुबनी में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 33 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। बीकानेर में पारिवारिक विवाद में महिला के पति ने
हत्या कर दी। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। बैतूल में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, डैम में डूबे बुजुर्ग की लाश को खाट पर रखकर 3 किलोमीटर दूर गांव में पहुंचाया गया। मथुरा में महिला ने पति को मौत के मुंह से बचाया, सफर के दौरान तबीयत खराब होने के बाद मुंह के जरिए ऑक्सीजन दी। बस्तर में नशीली दवा का कारोबार करने वाले 5 युवक पकड़े गए, नशे की सैकड़ों सिरप और टैबलेट्स जब्त। पटना में एनआईटी घाट पर मिले 2 शव, दोनों को मारे गए थे गोली। उधम सिंह नगर में पति ने पत्नी की जान ले ली, गोबर के ढेर में दबाई गई थी लाश। रीवा में सेना में अग्निवीर भर्ती के नाम पर 25 से ज्यादा युवाओं से लाखों रुपए की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बस्ती में हाईवे पर दिखा रफ्तार का कार, ट्रक और कार में टक्कर, 1.5 दर्जन यात्री घायल। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर डकैती की बड़ी वारदात, चीनी व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए की लूट। नोएडा में एनकाउंटर में बदमाश घायल, राहगीरों को लिफ्ट देकर लूटा करते थे। नंदगिरी में मर्डर का खौफनाक सीसीटीवी आया सामने, सरे रहा युवक को चाकू से गोदा गया। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में एक समर्थक को पुलिस ने पीटा, पहन रखी थी पीसीएम टैग वाली टी शर्ट। दरभंगा में दुर्गा पूजा और गांधी जयंती के लिए खास तैयारियां, पूरे शहर की सफाई की मुहिम छिड़ी। गुजरात के छोटा उदयपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या, डायन होने के शक में मारा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला खड़गे और थरूर के बीच में, खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रखेंगे बात। केंद्र बैठक का नामांकन रद्द, चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि तय वक्त पर ही होंगे चुनाव। 17 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 19 अक्टूबर को गिने जाएंगे वोट, 9,000 वोटर्स की तादाद है। खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में नए नाम पर मंथन, पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है। अशोक गहलोत खेमे ने बनाया प्रेशर, गहलोत को सीएम बनाए रखने के ऐलान के बाद ही वापस लिया जाएगा इस्तीफा। गहलोत को इस बार भी खुद बजट पेश करने का भरोसा, कहा कि युवा और छात्र भेजे बजट के लिए सुझाव। देश मना रहे बाबू की 153वीं जयंती, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। स्वच्छता दिवस आज मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छता से जुड़े हुए कई पुरस्कार देंगे। प्रशांत किशोर आज से शुरू करेंगे जन स्वराज यात्रा, चंपारण से सफर पर निकलेंगे। पटना में आज बीजेपी करेगी मौन विरोध प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चोट करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज कर्नाटक में, कर्नाटक में कई जिलों से गुजरेगी यात्रा। दिल्ली में बीजेपी की मांग, पटाखों से हटाया जाए बैन, एलजी को लिखी गई चिट्ठी। आपका मिशन गुजरात जारी, आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज आज गुजरात में, केजरीवाल भगवंत मान सिसोदिया करेंगे प्रचार। गुजरात के सुरेंद्रनगर और खेड़ ब्रह्मा में होगी 2 रैलियां, केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे संबोधन। राजकोट में खोडल धाम गरबा में सीएम अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई बोतल, वीडियो आया सामने।